दोस्तों एलोवेरा, एलोवेरा एक ऐसा प्रकृति का वरदान है आप बोल सकते हो, जो कि आपके बालों की हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को दूर करने में मदद करता है। एलोवेरा का सही तरीका क्या है बालों पे इस्तेमाल करने का, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों एलोवेरा में भरपूर मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों को ना सिर्फ बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि बालों का झड़ना रोकते हैं, बालों में शाइन देते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं, बेजान हैं, बालों की कंडीशन इतनी बढ़िया कर देते हैं कि जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो फिर आप इसका पहली बार में ही असर देख पाओगे। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है और सबसे अच्छी बात यह है एक नेचुरल रेमेडी जिसको आप बिना डरे इस्तेमाल कर सकते हो अपने बालों पे। तो आइए देखते हैं एलोवेरा को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों एलोवेरा का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा के पौधे से जो पत्ता हम इस्तेमाल करते हैं ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। मार्केट वाला एलोवेरा जेल आपको मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए। एलोवेरा का एक फ्रेश पत्ता मैं एलोवेरा में से तोड़ लूँगी। मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं एलोवेरा के, क्योंकि मैं बालों के लिए, स्किन के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें से आप एक लीफ इसकी तोड़ लो, काट लो इसको, और फिर आप देखोगे जो इसका नीचे का पार्ट है इसमें से येलो येलो कुछ सब्सटेंस निकलता है, इसको निकल जाने दो। 2-3 मिनट तक आप इसको ऐसे ही जब छोड़ दोगे तो ये निकल जाएगा। फिर इसको आप अच्छे से वॉश कर लोगे पानी से, क्योंकि इसमें जो धूल मिट्टी लगी है वो तो हमें नहीं इस्तेमाल करनी है। तो अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया और अब इसको हम काट लेंगे। जो बॉटम का पार्ट है इसको हटा देंगे काट के, इसके कांटे निकाल देंगे और इसको छिलके के साथ ही छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद आप इसको एक मिक्सिंग जार में डालो और इसको पीस लो। इसका पेस्ट इस्तेमाल करना है। फिर जब आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा इसको आप एक कटोरी में डाल लो और फिर इसके बाद आप लोगे नारियल का तेल। नारियल का तेल आप लें या फिर आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल 1 कटोरी आपको लेना है। क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, 1 कटोरी एलोवेरा जेल है यहाँ पर और 1 कटोरी आपको तेल लेना है। फिर आप एक पैन में तेल को डालोगे और लो फ्लेम पे हल्का इसको गर्म करोगे। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर आप ये 1 कटोरी जो एलोवेरा जेल है हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। लो फ्लेम पे ये प्रोसेस आपको करनी है, चलाते रहेंगे। फिर आप देखेंगे धीमे धीमे एलोवेरा जेल का कलर चेंज होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। 4-5 मिनट सिर्फ इसको बनाने में आपको लगते हैं। फिर जब इसका आप देख रहे हो इस तरीके का आपको दिखाई देने लगे कि जेल बिल्कुल ऑयल में आ चुका है अच्छी तरीके से, और फिर आपको इसको फ्लेम को बंद कर देना है, ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको आप छान लोगे, मगर पहले आप एक ग्लास का जार ले लो या बॉटल ले लो ऐसी जो एयर टाइट हो, क्योंकि आप इस रेमेडी को स्टोर करके भी रख सकते हो। तो इसको मैंने लिया है जार को, अच्छा ये क्लीन ड्राई जार है, और इसके ऊपर आप छलनी रखोगे और एक कपड़ा भी रखोगे साथ में, जिससे कि आप स्क्वीज करके आसानी से इस ऑयल को निकाल सको एलोवेरा से। तो फिर इस तरीके से मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। डालने के बाद कपड़े को हल्का सा आपको ट्विस्ट सा करना है और स्क्वीज करना है, दबाना है, इसमें से ऑयल निकाल लेंगे। अभी ये तैयार नहीं हुआ है, इसमें आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। तो इसे डालने के बाद आप एक चम्मच से इसको चला लो। डायरेक्ट आप जार में या उस कंटेनर में बनाओगे जिसमें आपको स्टोर करना है तो आसानी होगी बनाने में। तो ये बन के आपकी रेमेडी हो गई है तैयार। देख सकते हो कितनी बढ़िया रेमेडी बन के तैयार हुई है, और लगाने में आसान है, और इसको आप स्टोर करके रख सकते हो 1 महीने तक, ये ख़राब भी नहीं होगा। तो रोज़ रेमेडी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको लगाना है नॉर्मल ऑयल की तरह, बालों की जड़ों में अच्छे से लगाओगे, मसाज करोगे, बालों की लेंथ पे भी लगाओगे। आप चाहें तो शैम्पू करने से पहले इसको लगाएं, आधे घंटे तक बालों में रखें, और अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो रात में सोने से पहले इसको लगा के सो जाओ, नेक्स्ट डे शैम्पू कर लो। अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो रात में लगाओ और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगाओ, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बालों का झड़ना रुक जाता है, बाल घने होने लगते हैं, बाल टूटना बंद हो जाते हैं बिल्कुल, डैंड्रफ ठीक हो जाती है, इससे ख़त्म हो जाती है, बाल शाइनी और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो इतनी आसान रेमेडी है, देर किस बात की है, बनाओ और इसको इस्तेमाल करो और इसका फ़ायदा लो।
और आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे, जिससे वो भी इसका फायदा ले सकें, और कमेंट करके बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो मैं वो लेके आऊँगी। जल्दी से कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।